ये देखिए यहाँ पर शादी में रसोई बनाई जा रही है, जिसमें आंटी जी गुलाब जामुन बना रही है और ये भाई यहाँ पर पापड़ तल रहे हैं, एक एक करके तल तल कर उनको इस में रखे जा रहे हैं। ये सभी इसी काम में प्रोफेशनल है, बढ़िया बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। सभी को इस तपेली में रख दिया है उन्होंने। देखते ही देखते सारे पापड़ इन्होंने तल दिया कुछ ही समय में। ले तो फिर चिल्ला के खराब कर दिया यार, हम तो कहीं के छोले बोले सब। ये देखो यहाँ पर गुलाब जामुन डाल दिए गए तलने के लिए, गैस को थोड़ा सा और तेज कर दिया गया है। भाई पता नहीं किधर चले गए, हाँ कपड़ा लेने गए, कपड़े ले जाए। उसको तलते वक्त थोड़ा थोड़ा हिलाया जा रहा है ताकि शायद चिपके ना कढ़ाई से। ये देखिए किस तरह से हिला रहे वो उसको कढ़ाई को। ये कितने सारे गुलाब जामुन रखे हुए यहाँ पर चाशनी में डूबे हुए, बड़े ही शानदार लग रहे हैं। देखिए आप भी ये ऐसे करके निकाल निकाल के ला रहे हैं अभी तल तल कर। ऊपर के में चाशनी नहीं लगी हुई है, ऊपर ऐसे ही रखी हुई है। ऊपर वाले अभी सूखे हैं, चाशनी भी नहीं डूब रही। वो देखो आंटी जी पूड़ियाँ तैयार कर रही है। सुब से कह देता तो भी बना देता तक। नहीं कह रहा आटे कोई नहीं, वो हमें कहीं वहाँ एक आटे को तोड़ते हुए रखती जा रही है और दूसरी बेल रही है, दोनों मिलकर बेल रही हैं और इस प्लेट के ऊपर रखे जा रही है। यहाँ पर पूरा खाने का सामान मसाला वगैरह नमक जीरा बून सब कुछ रखा हुआ है। ये मसाला तैयार कराया जा रहा है, ये मिक्सर में अपना मसाला तैयार हो रहा है। मिर्ची रखी हुई है यहाँ पर, लगती है सेम टमाटर सब्जियाँ काट रहे हैं। आप बताओ ये क्या बन रहा है, बताओ ये क्या चीज़ है। चलो कुछ देर बाद बता दे, जल्दी से कमेंट करो क्या बन रहा है ये। देखो ये बटे रखे हुए पीछे गुलाब जामुन। चलो मैं बता देता, वो रायता बनाया जा रहा था। अभी उसमें बर्फ़ भी डाल दी गई है, अनार धनिया वगैरह अंगूर सब कुछ डाल दिया भाई ने। अब उसको अच्छे से मिक्स कर रहे जा रहे हैं। अभी तो वो ज़्यादा खट्टा है, बर्फ़ पिघलेगी उसके बाद थोड़ा सा और नॉर्मल होगा। ये देखो आप देख सकते हो धनिया अनार के दाने, बर्फ़ की सिल्लियाँ रखी हुई है उसमें। ये भाई प्रोफेशनल काफ़ी अच्छे से देख ला रहे। ठीक है भाई, वीडियो को सब्सक्राइब करो।